को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके सामने कुछ खास खबर लेकर आया हूँ कि हरियाणा जो कच्चे कर्मचारी उनके लिए खास खबरें क्या क्या आज खास खबरें आई हैं, आज के बारे में हम देख लेते हैं क्या आज अपडेट है। और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में ज्ञापन, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है वो, कहीं कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम बात करेंगे, पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहाँ पर जो क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या परेशान हैं, कच्चे कर्मचारी किस प्रकार से परेशान हैं, कोई आचरण के में शामिल होना चाहता है, किसी की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, कोई जोखिम भत्ते के लिए रो रहा है, तो हर तरह से परेशानी है कच्चे कर्मचारियों की। तो क्या है वो खबरें, मैं आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और अब चलिए चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ खास खबरें हैं और क्या क्या मांगों को लेकर क्या ज्ञापन जो है कर्मचारियों ने सौंपा है। कच्चे कर्मचारियों को एच के आर में शामिल करें। अब इसमें क्या है, ये बात है रोहतक से। रोहतक के कच्चे कर्मचारी ने पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। और डॉक्टर अंबेडकर मिशनी विद्यार्थी जो एसोसिएशन के छात्र नेता विक्रम सिंह डुमुलिया ने बताया कि कैंपस के टेक्निकल स्टाफ में लगभग 124 कर्मचारी हरियाणा कौशल निगम में शामिल होने के लिए जो है अपनी समस्याएं रख रहे हैं और मानसिक रूप से वो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि हमें जो कौशल निगम में क्यों नहीं किया जा रहा है, जब सबको कौशल निगम में कच्चे कर्मचारी हैं। तो टेक्निकल स्टाफ जो 124 का स्टाफ और वो जो है चाहता है कि हम एच के आर में शामिल हों, तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में ज़रूर वो सोचे और उनको एच के आर में शामिल कराए। आगे हम बात करते हैं, कौशल रोजगार निगम में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवक से 1,80,000 रुपये ठगे। अब ये भी बहुत काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है कि ये बात है भवानी खेड़ा की, भिवानी के पास कि निवासी जो भवानी खेड़ा के जो निवासी हैं उसमें कौशल रोजगार निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,80,000 रुपये की ठगी और पैसे जो है उन्होंने मांगे हैं उनसे। तो मैंने उसमें लिखा है कि उसको 1,80,000 रुपये दे दिए थे और उसमें से 80,900 रुपये ऑनलाइन 1,00,000 रुपये नगद दे दिए थे, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। लेकिन वो ना तो उनके पैसे दे रहा है और ना ही जो है नौकरी लगवा रहा है, तो जिससे जो है कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने जो है भवानी खेड़ा का जो निवासी है उन्होंने अपना जो है ज्ञापन यहाँ पे सौंपा है और कहा है कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आरोपी का फ़ोन भी मेरे पास है और मुझे उसे 1 जनवरी 2024 को नौकरी दिलवाने का दोबारा आश्वासन भी दिया था, लेकिन मेरे पास अज्ञात नंबर से कॉल आए कि आपको 22 जनवरी 2024 को नागरिक अस्पताल भिवानी की स्थित कमर नंबर 3 में जाना है। और जब भी वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई भी जो है उसके पक्ष में नहीं था या कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें हैं कि का सामना कर रहे हैं और फिर उसको जो है गाली गलौच भी किए हैं, जान से मारने की धमकी भी दी है। तो यहाँ पे जो पार्थी ने अपना पूरा जो है डिटेल दी है अखबार में, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों इससे बात ये किसी को भी जो है एचआरएन के में लगने के लिए कहीं भी कोई पैसा ना दीजिए, और अगर आप लगते हैं तो आपकी मेरिट बनेगी, हरियाणा गवर्नमेंट मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपको जॉब देगी, ना कि इन चक्रों में आप रहिए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी 22 जुलाई को जिला मुख्यालय पर करेंगे आक्रोश प्रदर्शन। अब जो स्वास्थ्य जो ठेका कर्मचारी हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम भी जो है प्रदर्शन करेंगे। तो ये जगह जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वहाँ पर जो है लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और मुख्य तौर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करके कर्मचारियों को विभागीय रोल पर लेने और उन्हें समान काम समान वेतन देने और हर महीने समय पर वेतन देने और ESI कार्ड बनवाने, वर्दी जूते देने और अन्य मांगों को लेकर जो है गहरी चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी ऐसी खबर है, कोई तो एचआरएन के में शामिल होना चाहता है, कोई कहता है इसको कि ख़त्म करके हमें रेगुलर किया जाए या हमारी जो है मांगों को माना जाए और हमें जो है जो समय पर वेतन दिया जाए या सही कार्ड बनवा जाए, हर तरह से कह रहे हैं कि हमें देख रेगुलर कर्मचारी की तरह रखा जाए या हमें पक्का किया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 सालों से कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, तो इसके विपरीत कौशल निगम की पॉलिसी बनाकर कच्चे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उनकी ये भी बात है कि अगर उन्होंने ये भी बोल दिया है, उनकी बात भी सही है कर्मचारियों की, कि जब 10 साल से लगे हुए कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, तो एक HKRN बनाकर जो है उनका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो पक्का नहीं कर रहे हैं बल्कि रहेंगे तो वो कच्चे ही कर्मचारी। तो उन्होंने कहा कि जो 10 साल से हैं, 15 साल से कार्यरत हैं, तो क्यों ना उनको पक्का किया जाए, HR की क्या जरूरत। अब कई जगह पर ये मांग है और मांग उनकी अपनी जगह पर सही है कि सिर्फ बात एक ही है कि उनको पक्का करे, HR के वालों को भी पक्का करे, हर किसी को पक्का करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब लगाए हैं तो वो जरूरत के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं।
तो ये बिल्कुल इनकी मांगें सही है और सरकार से यही है कि आप इन सभी की मांगों को माने। नेक्स्ट है यमुनानगर से, हम बात कर रहे थे कच्चे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा जोखिम भत्ता। अब यही बहुत अहम खबर है कि कच्चे कर्मचारियों को जो भत्ता है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी तपती गर्मी में जो है लोग अपने घरों में काम करते, जबकि बिजली कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं और बिजली बाधित होने पर तुरंत तपती गर्मी में उसको ठीक करते हैं, क्योंकि इस गर्मी में बिजली की बहुत किल्लत होती है। और वाकई में ही अगर हम बात करें तो बिजली कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रकार से दिन रात सो सकें, तो उनको जो जोखिम भरा कार्य करना पड़ता है, जो कहीं पर चलती हुई लाइन पर भी उनको काम करना पड़ता है, तो इसलिए सरकार उनके बारे में ज़रूर सोचे और उनको जो है जो भत्ता जोखिम भत्ता है वो अवश्य प्रदान करे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने सीएम को ज्ञापन भेजा। अब आंगनबाड़ी वर्कर भी जो है, ये नारनौल से खबर है, वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने भी कहा कि उनको जो ड्यूटी पर ले लिया गया था लेकिन आंदोलन के दौरान काटा गया था, उनका मानदेय आज तक नहीं मिला है, तो अपने मानदेय के प्रति उनकी काफ़ी ऐसी मांगे हैं जिनके चलते वो परेशान हैं, तो इसलिए जो है उनको मांगों को माना जाए। और ज्ञापन में यह बातें भी उठाई गई कि प्ले स्कूल में काम करने वाली वर्कर को 1000 रुपये वर्कर मिलते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें वो भी नहीं मिले हैं, तो ये काफ़ी जो समस्याएं हैं तो उनके अवगत कराया है, अपना ज्ञापन सौंपा है उन्होंने और अपनी सब समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भेज दिया गया है। और इसमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सहायक यूनियन हरियाणा के जो प्रधान कृष्णा देवी ने इन सबको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वहाँ पर चली हुई है आंगनबाड़ी से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्मचारियों की मांगों को न मानने पर विधानसभा में भुगतना पड़ेगा परिणाम, धर्मेंद्र डांडा। ये स्पेशल जो है स्कूल टीचर जो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला कार्यकारिणी की हुई कन्वेंशन, तो इसमें जो है उन्होंने ये चरखी दादरी से जो अध्यापक संघ है उन्होंने सरकार को स्पेशल ये अल्टीमेट दे दिया है, सरकार को बिल्कुल ये सपा शब्दों में बोल दिया है कि अगर हम कर्मचारी जो हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो विधानसभा चुनाव में इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। सरकार को पता है कि अब भी जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 सीटें ही भाजपा सरकार की आई थी, तो सरकार को लग रहा है कि काफ़ी कर्मचारी नाराज हैं, तो वो काफ़ी अच्छे काम भी कर रही है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है हर कोई, तो जहां भी जिसकी मांगे हैं सरकार को सबकी मांगे मानना पड़ेगा जहां तक पॉसिबल हो सके। और सरकार को अगर विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें लेके आनी है तो उनकी मांगों को अवश्य ही मानना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है ये कच्चे कर्मचारियों की है, स्कूल फेडरेशन जो टीचर्स हैं उनकी बैठक हुई है, उनकी बैठकों में ये अवगत जो है करा गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए सरेआम ये इसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा है, अगर सरेआम कर्मचारियों को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी देकर संविधान न्यायपालिका की ध्वजा उड़ाने का काम किया है। और उन्होंने ये किसका काम किया, उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, तो खट्टर साहब ने शायद उन्होंने कर्मचारियों को देख लेने की बात कही तो जिससे कर्मचारी काफ़ी नाराज हैं, ये खबर पहले भी आई थी, तो इस प्रकार से जो है वो काफ़ी नाराजगी जो है महसूस कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हर तरह से ठीक ठाक चले और उनकी मांगों को माने, और जो कर्मचारी खुश नहीं हैं उनकी मांगों को मान के कर्मचारियों को खुश करें ताकि हर प्रकार से उनको वोट दे सके। तो अब आगे सबसे बड़ी जो अहम खबर क्या है कि वेतन लेना है तो देना होगा सिग्नेचर वाला ब्लैंक चेक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बड़ी अहम खबर है, इसमें क्या है कि समय पर अगर वेतन चाहिए तो 1 महीना पहले ब्लैंक चेक दो, और ब्लैंक चेक लेने के बाद ही कर्मचारी के अकाउंट में 25,000 के बजाय 16,000 रुपये वेतन कैश होगा। यह लूट नगर निगम के तहत चल रहे सब स्टेशन सेक्टर वर्कर सेक्टर 39 में चल रही है, और ये बात है चंडीगढ़ की। तो यहाँ पे सब स्टेशन वाटर वर्क्स सेक्टर में के 13 कर्मचारियों को अप्रैल और मई का वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने की शिकायत पर नगर निगम मिशन के 30 मई को दी जा चुकी है, लेकिन ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के बजाय उसे 30 जून के बाद अगले महीने के लिए एक्सटेंशन दी जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये भी बड़ी काफ़ी दिक्कत है, प्रशासन को चूना लग रहा है, तो शिकायत के बावजूद सानी इलेक्ट्रिकल नहीं दे रहा है सब स्टेशन वाटर वर्क्स कर्मचारियों को वेतन। तो इसके बाद है 13 कर्मचारियों के काम करवाकर निगम से ले रहे हैं 15 लोगों के वेतन की ग्रांट,
और निगम में हो रही लूट की कर्मचारी यूनियन प्रशासक और सलाहकार की दी लिखित शिकायत। तो ये काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, श्रम कानून और प्रशासन के निर्देशों का ठेकेदार कर रहे हैं उल्लंघन। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ भारतीय यूटी चंडीगढ़ ने प्रशासन को दी शिकायत में कहा कि नगर निगम में और श्रम कानून व चंडीगढ़ प्रशासन के दिशा निर्देश को निगम अधिकारी और ठेकेदार खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन के प्रधान विपिन शेर सिंह ने बताया कि इससे पहले भी निगम के अधीन कमांड और कंट्रोल सिटी सेंटर निगम अधिकारियों को मिली भगत से 100 लोगों से अवैध लूट हो रही थी। विजिलेंस शिकायत के बाद मामले में आरोपी पकड़े गए, लेकिन निगम के अधिकारी सफाई के मामले से निकल गए। और हमारी चंडीगढ़ प्रशासन से मांग है कि हरियाणा कौशल विकास निगम की तर्ज पर चंडीगढ़ प्रशासन में भी ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि शोषण ना हो। ये बात है ठेकेदारी प्रथा की। जब ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हैं तो कर्मचारी उनको 25,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन ठेकेदार उनको केवल 16,000 रुपये देता है और बाकी जो है वो खुद हड़प जाता है 9,000 रुपये। तो इस तरह से कर्मचारी परेशान हैं। तो ये सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और लोगों की जो शिकायतें हैं उनकी तरफ ध्यान दे, और जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी उनके पैसे जो है वो पूरी तरह से दिलवाए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें जो आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर, हम देते रहेंगे आपको अलग से अलग नई नई खबरें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।